हसन भाई मुस्कुराहट। अच्छा मेरे प्यारे भाई, आपने रोजा क्यों नहीं रखा? यार एक तो मेरे सर में दर्द थी और दूसरा मैंने भैंसों के लिए चारा काटना था, इसलिए नहीं रखा। बस यही वजह थी? हाँ यार यही वजह थी। मेरे प्यारे भाई, ये तो कोई वजह ना हुई रोजा ना रखने, ये तो बस बहाने हुए आपके रोजा छोड़ने के। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर है 1896, जिसमें रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम रयान है और कयामत के दिन वो रोज़ेदारों के लिए खोला जाएगा। क्या आप नहीं पसंद करेंगे कि आप उसमें से गुजरें? और दूसरी बात मुझे ये बताएं, भैंसों को चारा डालना फ़र्ज़ है? नहीं। लेकिन प्यारे भाई, रोज़ा रखना हम पर फ़र्ज़ है और हमारा हक बनता है रोज़े को पूरा करें। देखें मेरे भाई, रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं और हमें हर हाल में चाहिए कि हम रोज़े रखें और रोज़े रख कर हम अल्लाह से इसका अजर व सवाब हासिल करें। और अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया है कि रोज़े सिर्फ आपको दो ही हालत में माफ़ होंगे, एक बीमारी की हालत में और एक सफ़र की हालत में, ठीक है ना? तो बाद में आप नफली रोज़े रख सकते हैं। ये तो आपकी सारी बातें ठीक हैं और मैं कल से इंशाल्लाह सारे रोज़े रखूँगा, मगर मेरी एक शर्त है। बोले प्यारे भाई बोले। मेरी शर्त यह है कि आप दोनों में से एक 2 मिनट में मुझसे ज़्यादा चारा काट ले तो मैं अगले सारे रोज़े रखूँगा। सुभान अल्लाह। आइए हसन भाई। क्या बना तौकीर साहब, यही ईमान था आपका? बहराम भाई, मशवरा मशवरा करना है। सिर्फ 2 मिनट चारा काटने के लिए? करो करो, आज पता चलेगा इनका भी, ये हर रोज चले आते हैं। नए उठ खड़े हैं हमारे रिश्तेदारों में मौलवी, जैसे इनसे पहले किसने इस्लाम की तबलीग की ही नहीं। हाँ हसन भाई, आपका क्या ख्याल है, आप जाते हैं या मैं जाऊँ? जैसे आपको बेहतर लगे तौकीर भाई। सुभान अल्लाह, चलो ऐसे करते हैं, मैं चला जाऊँ। चलें भाई, हाथ उठाएं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। या अल्लाह हमें फतह नसीब फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। हसन भाई आप इधर खड़े हो जाएं और जिक्र व अज़कार जारी रखें और मुस्कुराहट भी जारी रखें। सुभान अल्लाह। क्या बना तौकीर भाई, जाने का इरादा तो नहीं है? नहीं नहीं बहराम भाई, आ रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। हसन भाई ये तस्बीह और रुमाल पकड़, ये दुपट्टा। अच्छा अच्छा बहराम भाई आप शुरू करें। नहीं फकीर भाई पहले आप शुरू करें। चलो बिस्मिल्लाह। क्या बना तौकीर साहब, थक तो नहीं गए? मुझे पहले ही पता था, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तौकीर भाई हिम्मत ना हारें, अल्लाह हमारे साथ है। बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाहु अकबर। तौकीर साहब बस करें, आपका वक्त खत्म हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह तौकीर भाई, इधर आ जाएं, अब बहराम भाई की बारी है। हौसला रखें, टेंशन न लें, आज जीत हमारी होगी, अल्लाह हमारे साथ है। बेशक बेशक। बहराम भाई एक मिनट रह गया है। पता नहीं इन बदबख्तों ने कौन सा दम मुझ पे किया है, मुझसे चारा काटा ही नहीं जा रहा। इंशाल्लाह हसन भाई हम ही जीतेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल व करम। सुभान अल्लाह, मुस्कुराहट। बस करें बहराम भाई, वक्त आपका खत्म हुआ है, अब वक्त है मापने का। आइए हसन भाई इसको मापते हैं। चले हसन भाई मापें। मेरा ख्याल है मापने की जरूरत तो नहीं है बहराम भाई, क्योंकि ऊपर से ही नजर आ रहा है कि हम ही जीत हैं। सुभान अल्लाह। देखें बहराम भाई, इसी से आप नसीहत हासिल कर लें
कि जिनका तवक्कुल यकीन अल्लाह पर कामिल हो वो कभी नहीं हारते। सुभान अल्लाह। तो क्या ख्याल है बहराम भाई, चलें कल के रोजे की तैयारी करें। जी चलें। सुभान अल्लाह।